भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान पर चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार शाम को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस इकाई ने कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय के घर पर बेशर्म के फूल लेकर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने मार्च कर नारेबाजी करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को खूब खरी खोटी सुनाई और उनके विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय के बंगले पर गिरते पानी के बीच मुख्य द्वार पर बेशर्म के फूल टांग दिए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भाई आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भले ही संस्कार और शुचिता की कितनी भी दुहाई क्यों ना दें, हमने देखा कि रतलाम में किस तरह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आयोजित किया और बेशर्मी से नेता वहाँ बैठे रहते हैं और संस्कार स्वच्छता की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। आज उनके वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया है, आज महिलाओं को उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। आज लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिला रही हैं, वो अपने स्वयं को कैसे कपड़े पहनना है ये निर्धारण कर सकती हैं और इसीलिए विजयवर्गीय जी को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों के लिए इतनी असभ्य भाषा, देखिए ये लाडली बहना की बात करते हैं, बहन बनते हैं, भांजियां बनाते हैं, लेकिन भाषा इतनी असभ्य, क्या ये अपनी भांजी भांजियों के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं? इन्हें अपनी सारी बहनों से अगर ये बहन मानते हैं तो सबसे माफी मांगनी चाहिए और बीडी शर्मा जी को संज्ञान लेते हुए इन्हें नोटिस देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।